हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव टेरेस गार्डनिंग। आज डेट हो गई है 4 फरवरी 2024 और आप जानते ही हैं एक दो दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी और उसी बारिश के चक्कर में मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। मैं वही आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर थोड़ी आवाज़ थोड़ी ख़राब लगे पीछे से तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ काम चल रहा है तो उस वजह से शोर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा पपीते का प्लांट और आप जानते ही हैं मेरे पास 3 थे, उसमें से मैंने एक निकाल दिया था, फाइनली 2 बजे हैं और वो भी अब बारिश की वजह से ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पपीते का प्लांट आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके नीचे टोमेटोज भी लगे हुए हैं और इसी के अंदर ही पपीता भी लगा हुआ है, लेकिन ये पपीता मेरा देखिए ख़राब हो गया, पूरा हिल रहा है। ये देखिए, और निकालने की कोशिश कर रही हूँ तो ये निकल भी नहीं रहा है। अभी फ़िलहाल देखिए पूरा ख़राब हो चुका है मेरा प्लांट पपीते का। और ये देखिए, यहाँ पे है ये करेले की जो बेल थी वो भी पूरी ख़राब हो चुकी है। फ्रेंड्स, फूल भी निकला हुआ है टर्टल वाइन में। उस प्लांट की हालत आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसी हो रही है, देखिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये टोमेटो का प्लांट है, उसके अंदर फूल निकल रहे हैं, यानी कि जल्द ही ये रूटिंग पे आने वाला है। ये देखिए, इसको सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए आप इसको थोड़ा शेक कर लीजिए, इससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इन केस मधुमक्खियों की कमी हो तो आप ऐसे सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है क्रोटोन का प्लांट, ये भी इतनी ठंड और बारिश की वजह से शायद ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं लगता है कि, क्योंकि इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था आप सब जानते हैं। और ये है हमारा रियो का प्लांट, इसकी हालत आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही है हमारी जो कटिंग्स जो हमने लगाई थी 1-2 हफ्ते पहले, आप देख सकते हैं कैसी हालत हो रही है। और ये कोलियस की कटिंग थी, ये भी मैंने लास्ट ईयर ही लगाई थी और अभी देखिए कैसी हालत हो रही है इसकी, इतना फॉग पड़ा है और देखिए पूरा ऊपर ही ऊपर से बच गया है, नीचे से तो पूरे पत्ते ख़राब हो गए हैं। अब इसको मैं वापस से कटिंग करके ही लगाऊंगी। और ये है हमारा सिंगोनियम का प्लांट, आप इसकी भी हालत देख सकते हैं, पूरी लीव जो है वो येलो टर्न हो चुकी है। उसके साथ ही लगा हुआ है हमारा डेविल्स बैकबोन का प्लांट, ये वाला भी डेविल्स बैकबोन का ही है और दोनों की लीव भी झड़ चुकी है, देखिए फ्रेंड्स। और देखो तुलसी मैया भी हमारी कैसी हो गई है, ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स और सूखा सूखा सा हो गया है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये, या तो फॉग की वजह से हुआ है, इस वजह से शायद पत्ते हमारे जल चुके हैं। और ये देखिए, ये है हमारा लिली का प्लांट। और ये देखिए फ्रेंड्स, मनी प्लांट है, इसकी स्टिक भी टूट गई है, खैर ये तो पहले ही टूट गई थी, इसको वापस से निकाल के मैं इसको फिर से कटिंग से लगाने वाली हूँ और इसकी मॉस स्टिक भी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा नीम का प्लांट, इसकी आप पत्तियाँ देख सकते हैं कैसी हो रही हैं, मुरझाई सी, ये देखिए। और ये बहुत ही पुराना प्लांट है, आप देख सकते हैं इसकी जो स्टेम्प है वो कितनी मोटी है। और ये आ गया हमारा अब लकी बैम्बो का प्लांट, आप इसमें देख सकते हैं ये भी पूरा पीला पड़ चुका है, इसी के नीचे ही लगी हुई है हमारी टर्टल वाइन और साथ ही है हमारी जो चुकंदर की कटिंग होती है ऊपर की, वो मैंने लगा दी थी, उसके अंदर लीव्स आने लग गई तो मैंने वो छोड़ दिया लगा हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ छोटी छोटी नई ब्रांचेस निकल रही हैं, शायद जिसमें से नए बैम्बू का प्लांट निकल सकता है। आप देख चुके हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है इस बार बारिश और जनवरी के मौसम की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।